name is Shahid Anjum, MSc Statistics. जी बेटा, आपने कल जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसके थ्री केसेस पढ़े थे, आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 12.4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी, ठीक है। हम एक्सरसाइज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम उसके क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। जो मेथड हमने कल पढ़े थे हम आज उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज, द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 76 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 है। While the boys made an average of 82 with standard deviation 8, find the 96% confidence interval for difference between two population means, where μ1 is the mean of all boys and μ2 is the mean of all girls. ठीक है जी, यहाँ पे boys को μ1 और girls को μ2 consider किया जा रहा है। अगर आप boys को गर्ल्स को μ1 और बॉयज को μ2 कंसीडर करेंगे तो फिर आप μ2 माइनस μ1 फाइंड करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो डिफरेंस है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा हमें गिवन है वो ये है कि हमारे पास अगर गर्ल्स को हम μ1 कहते हैं तो n1 जो है 50 गर्ल्स हैं, तो हमारे पास ये जी एक्सरसाइज है 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट, ठीक है जी, इसका ए पार्ट है। इसमें जो गर्ल्स हैं n1 इन वर्क है वो 50 है गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज, और इनका जो मीन है वो भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है, ठीक है। गर्ल्स का जो एवरेज है बॉयज n2, इनका मीन x/2 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है σ2 से डिनोटेट किया जाएगा। यहाँ पे 75 बॉयज है, उनका मीन 82 है और a उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डेटा दिया है और हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है वो है 96%, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 96% आ गया आपके पास। इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का, जो हम फाइंड करते हैं यहां से। पहले n देखिए, n1 रैंक 2, ये लार्ज सैंपल है, ग्रेटर वाला केस है, ग्रेटर देन 30, ठीक है, और सिग्मा यहां पे नाउन है, सिग्मा नाउन है, सैंपल लार्ज है और सैंपल साइज लार्ज है, इंडिपेंडेंट सैंपल है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लगेगा x^2 माइनस x^1। आपके क्वेश्चन के मुताबिक बॉयज को उन्होंने n1 x^1 और सिग्मा स्क्वायर 1 कंसीडर किया था, कि हमने 2 का लेंगे, इसलिए हम x^2 माइनस x^1 लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है जी। ये आ जाएगा z1 माइनस α/2, ठीक है, उसके बाद σ1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 का स्क्वायर ओवर n2 और का स्क्वायर, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए z का हमने 1 माइनस α/2 निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस α दिया है, ये 1 माइनस α इज इक्वल टू, इसको 100 पे डिवाइड करें 0.96 आ जाएगा, अल्फा इधर ले आए 0.96 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इसको माइनस करें आपके पास 0.04 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 0.04, इसको 2 पर डिवाइड करें तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.02 आ जाएगा। बाद में से माइनस कर दें
अल्फा बाय टू 0.98, जेड की वैल्यू 0.98, 0.975 में और 98 में वैल्यू 1.96 आ जाती है। टेबल से आप वैल्यू देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जी की वैल्यू भी है, सिग्मा टू सिग्मा वन मीन भी दोनों के हैं, ठीक है, और एन भी गिवन है। ये सारी की सारी वैल्यूज हम फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, ठीक है जी। फार्मूले में वैल्यू पुट की, एक्स बार टू आपके पास आ गया जी 82 माइनस 76 प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई टू, 1 माइनस अल्फा बाई टू कितना आ रहा है, जेड की वैल्यू 1.96 है। सिग्मा 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ओवर एन 1 है आपके पास 50 प्लस सिग्मा 2 8 का स्क्वायर ओवर एन 2 है 75 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सिंपलीफिकेशन 82 में से 76 माइनस कर देते हैं, आते हैं 6 प्लस माइनस 1.96 36 ओवर 50 ये आपने करना है, तो फिर 6 का स्क्वायर बनता है 36 ओवर 50 0.72 आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 ओवर 75 ये आपके पास 0.85 आ जाएगा, ठीक है जी। तब आपने क्या करना है, 6 प्लस माइनस 1.96 इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों का ही प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले, ठीक है। तो आप इनको प्लस करें तो 1.57 आपके पास आएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया 1.96 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस और माइनस में 2.4557। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट, जब प्लस करेंगे तो अपर लिमिट माइनस की आ तो 3.54। जब आपने प्लस करना है तो आपके पास वैल्यू आएगी 8.5। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आप इस तरह से लिखोगे μ1 माइनस μ2 इस साइड पे लोअर लिमिट और इस साइड अपर, ये है बेटा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें डेटा गलत था और बॉयज का गिवन था, 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना था। हमने सबसे पहले देखते हैं कि सैंपल साइज लार्ज है, ठीक है, उसके बाद सिग्मा नाउन है, सिग्मा नाउन का केस है सैंपल साइज लार्ज है, उसमें मैंने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, हमने जहां से जी की वैल्यू के लिए अल्फा को 2 पे पहले अल्फा फाइंड किया, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया, फिर उसको 1 में से माइनस किया, फिर उसकी वैल्यू टेबल में से देखी और ये हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल का आंसर आ गया। अब हम इसी का पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बी पार्ट 2 पढ़ते हैं, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो वो वाला हम सॉल्व करते हैं यहां पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट है इसका, ठीक है। देखिए जी इसकी स्टेटमेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू डिपेंडेंट प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इट इज फोर्टीन सस्पेक्टेड दैट द हार्डली आउटकम्स output in the two departments are different, two random sample of production are given below, the variance of the hourly जो दोनों का variance इसकी दिए गए हैं और कहा गया है कि 95% confidence limit
टू एन वन 64 है और एन टू जो है 49 है, ठीक है जी। उसके बाद सैंपल जो मीन है वो एक्स बार वन और एक्स बार टू भी दिया हुआ है, एक्स बार वन जो है वो 100 है, एक्स बार टू जो है वो 90 है, सिग्मा वन का स्क्वायर भी दिया है और सिग्मा टू का स्क्वायर भी दिया हुआ है। सिग्मा वन का स्क्वायर जो है वो आपके पास है जी 256 और यह 196। सिग्मा टू का स्क्वायर के डेटा आपके पास गिवन है और 95% कॉन्फिडेंस से फाइंड करना है हमें 1 - α = 95%। इसको 0.95 लिख सकते हैं आप 100 डिवाइड करके, अल्फा इधर आ जाएगा 1 - 0.95, अल्फा आ जाएगा 0.05। आप 1 में से माइनस करेंगे तो अल्फा बाई 2, इसको 2 पे डिवाइड कर दें 0.025 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे अल्फा को 1 - α/2, इसको 1 में से माइनस कर दें 0.975। z की वैल्यू जो है ना 0.975 पे 1.960 थी, ठीक है, ये z की वैल्यू है। अब देखिए आपके पास n लार्ज है, ग्रेटर देन 20 है, सिग्मा नोन है, तो पहले वाले केस है, ठीक है। हम वही फॉर्मूला लगाते हैं x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n 2 होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। यहां पर वैल्यू इसको पुट करें, सिग्मा x बार 100 माइनस x बार 290 प्लस माइनस 1.96 z की वैल्यू आ गई 1.960। सिग्मा 1 है 256 ओवर n 1 में 100, n 164 है जी, प्लस 196 ओवर n 249 है होल का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 100 में से 90 का 10 प्लस माइनस 1.960 256 डिवाइड बाय 64 आप करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, 196 डिवाइड बाय 49 करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट बनेगा, 8 का स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको 1.96 से आप गणित नहीं कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर रूट आपके पास 2.8284 मल्टीप्लाई 1.960 प्लस माइनस 10, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड कर देना और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आएगा आपके पास 10 प्लस माइनस इस आंसर 1.96 को 2.8284 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 5.54। इसको एक दफा माइनस कर दे 10 में से, एक दफा प्लस कर दे, जब आप माइनस करें तो आपके पास आएगा 4.456 और जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.54 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह लिख सकते हैं, न्यू 1 - न्यू 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये मैंने जी आपको आंसर है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले जब क्वेश्चन शुरू किया तो देखा कि इसका सैंपल साइज और सिग्मा दिए रहते थे, फिर हमने आगे इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि हमने जो केस पढ़े थे उसमें आपने सबसे पहले जो केस देखा था वो ये था कि जिसमें एन लार्ज है मतलब लेस ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा नाउन है, ठीक है, तो एन लार्ज हो सिग्मा नाउन हो और सैंपल जो है जो आपके पास आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए कौन सा केस है
फिर दूसरा केस ये था कि जिसमें एन स्मॉल था, सिग्मा नोन है, अननोन है, ठीक है। फिर एक ये था कि जिसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी एनी पॉपुलेशन हो, सिग्मा नोन या अननोन हो, ठीक है, और सैंपल साइज लार्ज हो, उसके लिए भी केस पढ़ा था। तो पहले आपको देखना है कि ये कौन सा केस बनता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा 180 का स्क्वायर ओवर 200 एंड 200 है,
स्क्वायर रूट, ठीक है जी। 1400 माइनस 1200 200 आ जाएगा आपके पास 200 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई 120 का स्क्वायर और 150 करें, 120 का आप स्क्वायर लें उसको 150 पर डिवाइड करें तो 96 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लें तो ये आएगा, ठीक है, ओवर 150 इसका स्क्वायर दिया जाएगा 80 का, ओवर 200 होल का स्क्वायर रूट 200 प्लस माइनस 1.96 14400 को 150 पर डिवाइड किया तो आपके पास 96 आ जाएगा। लेकिन ये सैंपल की स्टैंडर्ड रेशियो है, एस है, ठीक है, एस है।
पास। जी अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो डाटा ना आपके पास, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये इसमें केस डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे हम स्मॉल सैंपल जो है ना उसका क्वेश्चन एक करते हैं। 6A है इसका, इसकी जो मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज N1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए N1 इज इक्वल टू 9 है, लेस देन 30 सैंपल आ गया, ठीक है। एंड N2 इज इक्वल टू 16, N2 16 है फ्रॉम इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हैविंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड द मीन्स एंड स्टैंड डेविएशन। मीन भी दिए गए हैं, स्टैंड डेविएशन भी गिवन है, और हमने इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है बेटा जी। इसका डाटा मैं आपके पास सामने लिखने लगा हूँ, N1 आपके पास है 9, क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट, N1 इज इक्वल टू 9 है और N2 जो है वो इज इक्वल टू 16 है। एक्स बार 1 भी गिवन है और एक्स बार 2 भी गिवन है आपको। एक्स बार 1 आपके पास दिया हुआ है 64 और 59 एक्स बार 2 है। स्टैंड डेविएशन सैंपल की दी गई है और सेकंड की भी सैंपल की है। स्टैंड डेविएशन भी आपके पास गिवन है 6 और 5 है। तो इस केस में देखें सिग्मा भी आपके पास अननोन है, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन का नहीं सैंपल का है और एन भी स्मॉल है। तो इस केस में आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो 1 - α इज इक्वल टू 95%, ठीक है जी। इसमें आप अल्फा फाइंड करें तो 1 - α इज इक्वल टू 0.95, 100 पे डिवाइड करेंगे, अल्फा इधर जाके पॉजिटिव, 1.96 इधर आके, 95 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा आपके पास 0.05 आ गया। अल्फा बाई 2 करें, जैसे पहले आप करते थे 0.025 और इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 - α/2 आपके पास 0.975। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपने इसकी वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पे टी टेस्ट लगता है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो N1 + N2 - 2, यही हमने पढ़ा था ना। तो N1 आपके पास 9 है, N2 आपके पास 16 है -2, 9 + 16 = 25, -2 = 23 आ गया आपके पास। तो टी के टेबल में 23 0.975 में आपने टी की वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू आपके पास आ रही है। आप स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखेंगे 2.069, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया टी, ठीक है। स्टैंड डेविएशन आपके पास गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला किसके इक्वल है, ठीक है। फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ टी का, टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, जिसमें आपको x^1 - x^2 + t डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 - α/2, ठीक है, इज इक्वल टू SP 1/N1 + 1, इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, इसको मैं रेज करने लगा हूँ जी। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको x^1 - x^2, ठीक है, +- t डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 - α/2 SP (1/N1 + 1/N2)² ठीक हो गया जी। तो देखिए इसमें SP फाइंड करना है, तो SP के लिए हमने क्या करना है, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी यहाँ से। SP का फार्मूला किसके इक्वल था, N1 - 1 S1 हेड का स्क्वायर प्लस N2 - 1 S2 हेड का स्क्वायर ओवर N1 + N2 - 2 होल का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करें आप, N1 आपके पास कितना था जी, N1 आपके पास 9 - 1, S1 था आपके पास जी
सिक्स का स्क्वायर प्लस एन टू आपके पास 16 है, 16 माइनस वन और 5 का स्क्वायर ओवर 6 प्लस एन वन सॉरी 9 है, 9 प्लस 16 माइनस टू होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये देखिए एन वन माइनस वन स्क्वायर वन एस वन का स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन एस वन हेड का स्क्वायर सॉरी एस टू हेड का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ठीक है, इसको आप करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस वन 8 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 23 होल का स्क्वायर रूट। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐड करके 23 पे डिवाइड करें। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 288 375 ओवर 23। ठीक है जी, इसको मैं आगे लिए चलूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 663 ओवर 23, 663 ओवर 23 होल का स्क्वायर रूट जी, एस पी आर है। ठीक है, इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी 5.3689। ठीक है जी, ये एस पी का आंसर आ गया। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये टी की वैल्यू 2.069 है। एक्स बार वन देखिए, एक्स बार वन किसके इक्वल था आपका, एक्स बार वन था आपका 64 माइनस 59 था एक्स बार टू। ठीक है जी, प्लस माइनस टी की वैल्यू आपके पास थी 2.069, एस पी की वैल्यू है 5.3689, 1 ओवर एन 19 है प्लस 1 ओवर एन 2 जो है वो 16 है होल का स्क्वायर रूट है। इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस। देखिए इनको सॉल्व करें आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.069 मल्टीप्लाई बाय 5.3689 तो आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है 11.1083। 1 ओवर 9, 1 को 9 पे डिवाइड किया तो 0.11114 है, प्लस 1 ओवर 16 किया तो आपके पास 0.0625 है। इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट लें और इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है 4.63। ठीक है जी, 4.63। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनका स्क्वायर रूट लेना है, जो आंसर आएगा इसको 11.1083 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4.63। अब इसमें से एक दफ़ा माइनस कर दे, एक दफ़ा प्लस कर दे, जब आप माइनस करें तो आंसर आएगा 0.37 और जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.63। तो आप इसको लिखेंगे म्यू वन माइनस म्यू टू, ये 0.37 है, ये 9.63 है। ये बेटा जी आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। और अब देखें आपने दूसरा केस यहाँ पे जो है ना वो यूज़ किया है, जिसमें सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है, स्टैंडर्ड एविएशन या सिग्मा अननोन है। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज अननोन और इंडिपेंडेंट सैंपल थे, वो वाला केस जो थर्ड केस का आपने पढ़ा था यहाँ पे वो यूज़ किया गया है। ठीक है बेटा जी, बाकी इसके क्वेश्चन जो पीछे 5 है या 4 है वो सेम पहले की तरह है, उसमें वही केस है। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।